तो ये देखिए डॉग्स की इमेजेस शो हो रही हैं। Welcome to Coding Gyan. Today, we will build an image finder app using React and Pixabay API. अब जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ flowers, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर flowers की images मुझे show हो रही हैं। अब जैसे कि अगर मैंने अब सर्च करा dogs, तो ये देखिए dogs की images show हो रही हैं। तो चलिए ये app बनाना start करते हैं। तो ये project बनाने के लिए सबसे पहले command prompt खोलते हैं और रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड देना होगा npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और अब मेरे ऐप का नाम जैसे कि मैं देती हूँ प्रोजेक्ट वन और एंटर कर दिया। कुछ टाइम में इंस्टॉल होगा, तब तक मैं पिक्साबे ऐप API खोलती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए API की चाहिए, उसके लिए आपको आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी API की यहाँ पर है क्योंकि मैं पिक्साबे API पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे कि सर्च इमेजेस के अंदर मैं गई तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइडेड है जैसे कि रिट्रीविंग द फोटोज ऑफ येलो फ्लावर्स के लिए, जहाँ पर ये टोटल हेड्स हेड्स ID पेज URL और ये सारे जो कीज़ हैं ये सब प्रोवाइडेड हैं। जब प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखते हैं कि वो कितना इंस्टॉल हो गया है, ये कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सीडी ओवर टू आवर प्रोजेक्ट वन और अब एडिटर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर इसको यूज़ करेंगे वो खोलते हैं। कुछ डिपेंडेंसीज जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलती हूँ और सबसे पहले CD प्रोजेक्ट वन। तो हमें XEOS डिपेंडेंसी चाहिए, उसके लिए कमांड दिया npm install XEOS। XEOS डिपेंडेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट JSN में वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ये मुझे वर्जन भी शो हो रहा है। तो अब कुछ फाइल्स जो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट कर देते हैं। SRC फोल्डर खोला, app.css और app.js फाइल चाहिए, ये फाइल नहीं चाहिए तो ये app.test ये डिलीट करेंगे और index.css भी। और पब्लिक फोल्डर के अंदर ये जो आइकन्स हैं इनको भी डिलीट कर लेंगे। तो अभी हमारा रिएक्ट ऐप एक बार ओपन करके देखते हैं कि अभी क्या शो हो रहा है। उसके लिए कमांड दिया npm start। जैसे ही ब्राउज़र खोला यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड कांट रिजॉल्व index.css। तो देखते हैं ये क्यों आ रहा है। index.js फाइल खोली तो क्या करते हैं, क्योंकि हमने index.css वाली फाइल तो डिलीट कर दी थी ना, इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं इम्पोर्ट और ये भी हटा देते हैं। और app.js फाइल खोली और यहाँ से ये इंपोर्ट जो लोगो कर रखा है ये भी हटा देंगे। और यहाँ पर टाइप कर लिया ऐप, app.css फाइल के अंदर भी फिलहाल के लिए सब कुछ हटा देंगे। तो index.js फाइल खोली और यहाँ कॉमा दे दिया, चेंजेस सेव करें।
सिमिलरली ऐप डॉट जे एस के अंदर और ऐप डॉट सी एस एस के अंदर। अब ब्राउज़र खोला, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐप लिखा हुआ आ रहा है। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एस आर सी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, कॉम्पोनेंट्स, और इसके अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट करूँगी मैं सर्च, और एक और फोल्डर इमेज रिजल्ट्स। अब सर्च फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे सर्च डॉट जे एस, और इमेज रिजल्ट्स फोल्डर के अंदर भी फाइल क्रिएट करेंगे इमेज रिजल्ट्स डॉट जे एस। सबसे पहले सर्च डॉट जे एस फाइल खोली और इसके अंदर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं कंपोनेंट। रिएक्ट क्लास सर्च एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और यहाँ पर रेंडर मेथड दिया, इसके अंदर रिटर्न करेंगे जो हमारा सर्च बॉक्स बनाएंगे हम, एक टिफ टैग दिया। सबसे पहले एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं इसको, डिफॉल्ट सर्च इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसको एक डिव टैग के अंदर इंक्लोज करेंगे पहले। पर सी एस एस इनलाइन सी एस एस अप्लाई करेंगे, स्टाइल दी, दो कर्ली ब्रेसेस दिए और बैकग्राउंड कलर देंगे कुछ। ब्लैक ये नीचे एक्सटेंड कर लेंगे, टेक्स्ट कलर वाइट रखेंगे इसलिए कलर को वैल्यू दी वाइट। मार्जिन भी देंगे कुछ, तो लेफ्ट से मार्जिन दे दी 570, मार्जिन टॉप हंड्रेड, पैडिंग टॉप 20, पैडिंग लेफ्ट 70, फॉन्ट साइज बॉर्डर टॉप स्टाइल हिडन, और सिमिलरली राइट इसी को ही कॉपी कर लिया और राइट से भी हिडन रखेंगे। और लेफ्ट से भी आउटलाइन को वैल्यू देंगे नन,
बॉर्डर बॉटम स्टाइल को वैल्यू दी ग्रूव, और प्लेस होल्डर के अंदर वैल्यू दी सर्च फॉर इमेजेस। अब इस जो हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर एक नेम को वैल्यू देंगे सर्च टेक्स्ट, और अब इस टेक्स्ट फील्ड के लिए एक स्टेट क्रिएट करेंगे। एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर सर्च जो टेक्स्ट है उसको फिलहाल खाली रखा इसलिए। और अब हम एपीआई की यहाँ पर देंगे, तो एपीआई की देने से पहले एपीआई यूआरएल देंगे, तो वो हमारी पिक्साबे जो वेबसाइट है उसका ही मैं लिंक देने जा रही हूँ, https pixabay.com/API। और अब एपीआई की देंगे, तो ये जो की ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब फिलहाल हम इमेजेस को एक एम्प्टी एरे के अंदर स्टोर करेंगे और जब रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई को तब इस एरे को फिल कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा इनपुट है इसके अंदर वैल्यू देंगे दिस डॉट स्टेट, यानी कि हम स्टेट से इसको कनेक्ट करा रहे हैं जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, और उसके अंदर जो सर्च टेक्स्ट वेरिएबल है डॉट सर्च टेक्स्ट, यहीं पे बंद कर देते हैं। ऐप डॉट जो सी एस एस ऐप डॉट जे एस फाइल खोलते हैं पहले, और उसके अंदर फिलहाल के लिए ये जो टिप टैग ये क्रिएट किया हुआ है यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर जो हमारी सर्च डॉट जे एस फाइल है उसको इम्पोर्ट करेंगे। वो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है, फोल्डर एंड सर्च, और अब जो ऐप डॉट सी एस एस फाइल है उसके अंदर क्या करते हैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट कर देंगे। क्लास ऐप एक्सटेंड्स कॉम्पोनेंट इसके अंदर रेंडर मेथड दिया और उसके अंदर रिटर्न करा लेंगे, यहाँ डेव टैग दिया, और जो हमारा सर्च कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ये मुझे सर्च फॉर इमेजेस दिख रहा है, और ये मतलब कि एक और अगर अभी मैं इसके अंदर अगर कुछ एंटर कर रही हूँ तो मैं कुछ एंटर ही नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर यहाँ पर कुछ टाइप करना है जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, सर्च डॉट जे एस फाइल खोली, इसके अंदर ऑन चेंज का यूज़ किया, एक फंक्शन देना होगा दिस डॉट ऑन टेक्स्ट चेंज। हम टाइप इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ये मेरी स्टेट के साथ अभी बाइंड ही नहीं हुई है, जो मेरा ये स्टेट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था। तो अब ऑन टेक्स्ट चेंज एक फंक्शन देंगे, और मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूँगी, ई पैरामीटर ले रहे हैं,
यहाँ पर सेट करेंगे स्टेट को, दिस डॉट सेट स्टेट। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा यहाँ पर नेम की वैल्यू है इज इक्वल टू सर्च टेक्स्ट, ये यहाँ पर इससे मैच करनी चाहिए जो स्टेट के अंदर हमने वेरिएबल दिया है सर्च टेक्स्ट। यहाँ पर पेरेंथेसिस देने होंगे और इसको सेट कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो अभी एटलीस्ट हम कुछ टाइप कर पाएंगे, सो देखते हैं। ये देखिए मैं कुछ अभी टाइप कर सकती हूँ। हमें इमेजेस को फेच करना है और एपीआई को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए जो मैंने एक्सियोस डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और अब एक कॉल बैक फंक्शन देंगे यहाँ पर। अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट गेट, और अब हम बैक स्लैश देंगे यहाँ पर और डॉलर दिया, और अब हमें एपीआई यूआरएल चाहिए जिससे कि हम रिक्वेस्ट भेज सकें, इसलिए दिस डॉट स्टेट डॉट एपीआई URL स्लैश, अब हमें की चाहिए तो की पैरामीटर दिया और इसके अंदर API की को हम पास करेंगे जो ये ऊपर आप देख सकते हैं मैंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर एक गलती कर दी है, ये कर्ली ब्रेसेस देने होंगे तभी हमारा ये API URL यहाँ पास होगा। दिस डॉट स्टेट डॉट ए पी आई की, और इसके अंदर अब क्या करेंगे, अब हमें सर्च टेक्स्ट को भी पास करना है इसलिए क्यू पैरामीटर देंगे अब, एंड क्यू इज इक्वल टू डॉलर दिस डॉट स्टेट डॉट सर्च टेक्स्ट। और अब इमेज टाइप पैरामीटर देंगे एंड इमेज टाइप इज इक्वल टू फोटो एंड, अब इसके बाद मैं एक मिनट आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले खोल के दिखाती हूँ, उसके अंदर ये सेफ सर्च है, इसका मतलब होता है कि वही इमेजेस हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं विच आर सूटेबल फॉर ऑल एजेस, तो उसके लिए ये पैरामीटर यहाँ पर देना होगा एंड सेव सर्च इज इक्वल टू ट्रू। और अब हम रिस्पॉन्स भी चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए डॉट देन रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन दिया, दिस डॉट सेट स्टेट इमेजेस रेस डॉट डाटा, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो हमारी हिट्स हैं मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था जो एक मिनट दिखाती हूँ, तो इसके अंदर हमारी जो इमेजेस हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इसलिए यहाँ पर डॉट हिट्स पास किया। अब डॉट कैच कि अगर कोई एरर हुआ तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग एरर, रेंडर मेथड खोला और अब हम इस स्टेट को कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवाएंगे
तो इसलिए यहाँ पर पास करा दिस डॉट स्टेट। तो देखते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है बिकॉज ये जो ये ब्रैकेट यहाँ पर दे रखा है ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इंक्लोज करना है। तो अब देखते हैं, अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब कंसोल खोलते हैं तो ये कुछ वार्निंग्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर एपीआई की यूआरएल, इमेजेस और सर्च टेक्स्ट और ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बट अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरा स्टेट यहाँ पर आ रहा है कंसोल के अंदर, बट मुझे तो मेन इमेजेस से लेना देना है ना। तो यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट इमेजेस, तो ये देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी एरे आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ तो ये देखिए कैसे ये इतने सारे एरेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर फोर वैल्यूज दी इसलिए फोर एरेज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो अगर हम इमेजेस चाहते हैं उसके लिए फिर हमें इमेज रिजल्ट्स के अंदर हम सब सारी इमेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे, एक टर्नरी ऑपरेटर देंगे यहाँ पर। दिस डॉट स्टेट, क्योंकि अगर हमारी इमेजेस की लेंथ जीरो से ज़्यादा होगी तभी हम इमेजेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन देनी होगी डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन ज़ीरो। और यहाँ पर हम इमेज रिजल्ट्स जो हमारा कंपोनेंट है वो पास करवाएंगे। और यहाँ पर इमेजेस जो है वो पास करी, इमेजेस आप देख ही सकते हैं ऊपर एक एम्प्टी एरे था हमारा। दिस डॉट स्टेट डॉट इमेजेस, और अगर इमेजेस की लेंथ जीरो से कम हुई तो यहाँ पर नल वैल्यू दे दी। यहाँ पर शायद कुछ एरर है, इमेजेस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन ज़ीरो। हाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी तो देना होगा ना टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। तो यहाँ पर इमेज रिजल्ट्स डॉट जेएस फाइल जो है वो फिलहाल खाली है, लेकिन इसको यहाँ पर अभी हम पास करेंगे सर्च जो हमारी फाइल है उसके अंदर। इम्पोर्ट इमेज रिजल्ट्स फ्रॉम, ये जो मेरा फोल्डर है इमेज रिजल्ट्स, इमेज रिजल्ट्स। तो इमेज डॉट इमेज रिजल्ट डॉट जे एस फाइल खोली और इसके अंदर वही प्रोसीजर जो पहले वाला था, इम्पोर्ट रिएक्ट कॉम्पोनेंट फ्रॉम रिएक्ट क्लास इमेज results extends component, और इसके अंदर वही render method दिया और कुछ return करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक खाली div pass कर देते हैं। सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पर, और इसको एक्सपोर्ट भी करवा देंगे डिफॉल्ट इमेज रिजल्ट्स। अब हमें प्रॉप टाइप्स भी चाहिए डिपेंडेंसी, तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव प्रॉप हाइफन टाइप्स।
कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो प्रॉप टाइप्स जो डिपेंडेंसी है वो तो इंस्टॉल हो गई है। हम पैकेज डॉट जे एस एम में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, इमेज रिजल्ट्स डॉट टाइप्स और इसके अंदर जो हमारा इमेजेस एरे था जो की खाली था उसके अंदर प्रॉप टाइप्स डॉट एरे इज रिक्वायर्ड। और अब हमें एक ग्रिड भी चाहिए मटीरियल। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम मटीरियल यूआई का यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की, हमें एक ग्रिड कंपोनेंट चाहिए जिसके अंदर हम इमेजेस को स्टोर करेंगे और वो हमें मटीरियल यूआई से ही मिलेगी। तो मैंने गलती से लाइब्रेरी बोला था, ये एक पॉपुलर रिएक्ट यूआई फ्रेमवर्क है। तो आप मेन्यू बार के अंदर देख सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स के अंदर ये हमें कितना कुछ प्रोवाइडेड है। तो उसके लिए मटेरियल यूआई डिपेंडेंसी को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे, npm install material hyphen ui। तो ये इंस्टॉल तो हो ही जाएगी। सो पैकेज डॉट जे एस एन फाइल के अंदर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ग्रिड लिस्ट, और ग्रिड टाइल फ्रॉम मटेरियल यूआई हाइफ स्लैश ग्रिड लिस्ट। और हमें एक आइकन बटन भी चाहिए जिसके ऊपर क्लिक करके हम इमेजेस खोलेंगे। ये सॉरी डायलॉग बॉक्स जो आएगा हमारा, इंपोर्ट आइकन बटन फ्रॉम मटेरियल हाइफन यूआई स्लैश आइकन बटन। और एक जूम इन भी चाहिए हमें, इंपोर्ट जूम इन फ्रॉम मटेरियल हाइफन यूआई एसवीजी आइकन्स एक्शन जूम इन। इंपोर्ट डायलॉग फ्रॉम मटीरियल हाइफन यूआई डायलॉग। बस लास्ट में चाहिए एक फ्लैट बटन, फ्रॉम मटेरियल हाइफन यूआई फ्लैट बटन। अब इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए रेंडर मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इमेज लिस्ट। और अगर हमारे पास इमेजेस हैं
तो उसके लिए एक कंडीशन लगेगी, और अगर इमेजेस नहीं है तो फिर हम इस वेरिएबल को जो हमने इमेज लिस्ट ऊपर डिक्लेयर करा है इसको सेट कर देंगे टू नल। और यहाँ पर जो हमारा एम्प्टी एरे था, मैंने आपको सर्च डॉट जेएस के अंदर दिखाया ही था, इमेजेस का जो एम्प्टी एरे था उसको यहाँ पर डिक्लेयर करा और इसके अंदर वैल्यू दे दी दिस डॉट प्रॉप्स। सॉरी, ये इमेज लिस्ट जो मैंने नल वैल्यू सेट करी है यहाँ पर नहीं, ये एल्स के अंदर आएगी। तो ग्रिड के अंदर हम इमेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे, तो आपको आपको मैंने दिखाया ही था कि मैंने ग्रिड लिस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है मटेरियल यूआई से, तो वही कंपोनेंट मैं यूज़ करूँगी। तो मैं अगर चाहती हूँ कि एक कॉलम के अंदर मेरी फोर इमेजेस आएँ, तो कॉलम्स के अंदर यहाँ पर फोर वैल्यू दे दी, और अब हम इमेजेस को मैप करवाएंगे। इमेजेस डॉट मैप, यानी कि हम एक लूप चला रहे हैं, जैसे कि आपने सी के अंदर भी किया था ना फॉर लूप होता है, वैसे ही रिएक्ट के अंदर हम एक इमेज एक एरे इमेजेस का डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैप फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ एरो फंक्शन दिया, और ग्रिड टाइल कंपोनेंट का यूज़ करेंगे जो ऊपर मैंने इंपोर्ट भी किया हुआ है। सो यहाँ पर कॉलन नहीं आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ ग्रिड टाइल के अंदर हम इमेज को टाइटल भी देना चाहते हैं कुछ, तो जो मेरा इमेज का ऑब्जेक्ट है तो img.tags, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पिक्साबेस से ले रहे हैं। अब हमारी की आएगी और उसके अंदर हम इमेज की आईडी पास करेंगे image.id। और अब एक्शन आइकन जिसके ऊपर क्लिक करके हम डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये जो जूम इन है वो इंपोर्ट करा हुआ है, तो उसी का ही मैं यूज़ करूँगी अब। कलर दे देंगे वाइट, तो हमने ये एक्शन आइकन तो दे दिया, बट ये जूम इन को हमें आइकन बटन के अंदर इंक्लोज करना होगा। आइकन बटन मैंने ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है, हम इमेज का पाथ मेंशन करेंगे, img टैग दिया और यहाँ पर सोर्स मेंशन करा img.large। ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी वैल्यूज है जो मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ। url और अगर इमेज नहीं है हमारी कोई, तो उसके लिए हम एक एम्प्टी यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे, तो उसके लिए ऑल्ट को वैल्यू दे दी। यहाँ पर ये नहीं आएगा, बस अब क्या करना होगा, जो यहाँ पर हमने एम्प्टी डिफ टैग्स दिए हैं इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, यहाँ इमेज लिस्ट पास करना होगा जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं जैसे कि टाइप करती हूँ डॉग्स, तो ये क्या, मेरे पास तो कोई इमेज ही डिस्प्ले नहीं हो रही है डॉग्स की, देखते हैं कि क्या गलती है। तो
देखते हैं कि आखिर हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही। इमेज रिजल्ट्स डॉट जे एस के अंदर तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। सर्च डॉट जे एस फाइल खोली और यहाँ पर API URL API की भी सही से प्रोवाइडेड है। ऑन टेक्स्ट चेंज के अंदर देखते हैं एक्जियोज डॉट गेट। तो ये देखिए यहाँ की से पहले एक क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। और देखते हैं जैसे कि मैं यहाँ डॉग्स की इमेज चाहती हूँ तो ये आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी प्रिपेयर स्टाइल्स ऑफ अनडिफाइंड। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ इमेज रिजल्ट्स डॉट जेएस के अंदर जो भी ये मटेरियल यूआई के ये जो सारे कंपोनेंट्स हमने यूज़ करे हैं, अगर हम इनको एक साथ यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये मैंने ऐप डॉट जे एस फाइल खोली और यहाँ मुझे एक चीज़ इम्पोर्ट करानी होगी। इम्पोर्ट MUI थीम प्रोवाइडर फ्रॉम मटीरियल हाइफन UI हाइफन स्टाइल्स हाइफन नहीं सॉरी स्लैश MUI थीम प्रोवाइडर। और अब बस क्या करेंगे इसका यूज़ कर लेंगे। ये नीचे एनक्लोज कर दिया। अब देखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करा डॉग्स, तो आप देख सकते हैं कि डॉग्स की इमेजेस मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। यही अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ फ्लावर्स तो अब फ्लावर्स की इमेजेस शो हो रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मार्जिन दे देते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स एकदम इसके ऊपर ही आ रहा है। पर ब्रेक टैग लगा दिया। और अब क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जब यहाँ छोड़ दिया फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर टाइप करा पर्सन और अब अगर मैं इनपुट से कुछ हटा देती हूँ तो तब भी मुझे कुछ इमेजेस डिफ़ॉल्ट इमेजेस शो हो रही हैं। बट अगर मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ एंटर नहीं कर रही तो फिर मुझे इमेजेस शो नहीं होनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सर्च डॉट जो जे एस फाइल है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कॉन्स्टेंट वैर और उसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को स्टोर करा देंगे। पर वैल मेंशन करा और अगर हमारी जो वैल वेरिएबल है वो खाली है यानी कि हमारा अगर सर्च बॉक्स खाली है तो तब हम एक एम्प्टी एरे पास करेंगे इमेजेस का दिस डॉट सेट स्टेट। तो इमेजेस एरे तो ये है ही, यहाँ पास करा दिया और यहाँ पर एम्प्टी एरे पास करा वरना एल्स के अंदर ये जो हमने ये एक्जियोस डॉट गेट ये सब पास करा हुआ है यहाँ पर आएगा। देखते हैं अब जैसे कि मैंने डॉग्स फिर से टाइप करा और अब यहाँ से हटा दिया तो अभी भी डिफ़ॉल्ट इमेज ही आ रही है ना। ये देखिए अब तो हट गई, अब नहीं आ रही है। अब हम इमेज रिजल्ट्स डॉट जे एस खोलेंगे और अब एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेंगे कि जैसे ही मैं जूम इन बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरी एक बड़ी सी इमेज आएगी। तो यहाँ रेंडर मेथड से पहले एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टेट का और उसके अंदर ओपन को वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी फॉल्स और करंट इमेज को फिलहाल एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी। और अब एक क्लोज बटन हमें बनाना है तो यहाँ एल्स के बाद एक वेरिएबल दिया कॉन्स्टेंट एक्शन
इज इक्वल टू फ्लैट बटन, मैंने आपको दिखाई था कि मैंने मटीरियल यू आई से यहाँ इम्पोर्ट किया हुआ है। के अंदर लेबल को वैल्यू दी क्लोज, और हम प्राइमरी को वैल्यू देंगे ट्रू, यानी कि ब्लूइश ब्लू कलर दे रहे हैं। और यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर हम एक हैंडल क्लोज फंक्शन देंगे, जिससे कि क्लोज पर क्लिक करने से मेरा जो डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाए। इसलिए यहाँ पर पास करा दिस डॉट हैंडल क्लोज। तो अभी हैंडल क्लोज फंक्शन को ऊपर मेंशन करने से पहले डायलॉग बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर डायलॉग कंपोनेंट दिया और उसके अंदर एक्शंस पैरामीटर दिया, यहाँ वैल्यू पास कर दी। और मॉडल को वैल्यू दी फॉल्स। तो ये सारी डायलॉग की प्रॉपर्टीज़ है, मटीरियल यूआई के अंदर भी वहाँ पर जाकर आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और सीखना है इस कंपोनेंट के बारे में। और ओपन को वैल्यू दी दिस डॉट स्टेट डॉट ओपन, रिक्वेस्ट क्लोज दिस डॉट स्टेट, सॉरी दिस डॉट हैंडल क्लोज। ये अगर हम बंद करना चाहते हैं उस डायलॉग बॉक्स को उसके लिए। और अब क्योंकि हम जब ये डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर हमारी इमेज आएगी, तो यहाँ पर हमें पाथ भी देना होगा, इमेज सोर्स दिस डॉट स्टेट डॉट करंट इमेज। अगर हमारी कोई इमेज नहीं है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। और अब इसको स्टाइल करेंगे, इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं, और विड्थ को सेट कर दिया 200%। और अब हैंडल क्लोज और हैंडल ओपन फंक्शंस देंगे। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की हुई ना। हैंडल ओपन इक्वल टू इमेज, और यहाँ पर हम इमेज एज अ पैरामीटर दे रहे हैं, दिस डॉट सेट स्टेट ओपन को वैल्यू दे दी ट्रू। और अब करंट इमेज यहाँ पर पास कर रहे हैं हम, जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने पर आएगी। और अब हैंडल क्लोज एरो फंक्शन पास करा, दिस डॉट सेट स्टेट ओपन वैल्यू दी फॉल्स। अब हमने जहां पर फ्लैट बटन बनाया था तो उसके अंदर तो हमारा हैंडल क्लोज हमने दे दिया ना, पास कर दिया है। अब जो ये हैंडल ओपन फंक्शन बनाया था इसको भी तो हमें पास करना होगा ना, कि डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करके हमारा मतलब कि बटन पर क्लिक करके हमारी जो इमेज है वो खुले। तो यहाँ आइकन बटन के अंदर ऑन क्लिक पास करा, एरो फंक्शन पास करा,
दिस डॉट हैंडल ओपन, और इसके अंदर इमेज पास कर दी, डॉट लार्ज इमेज यूआरएल, और यहाँ डिव के अंदर कुछ स्टाइलिंग कर लेंगे। मार्जिन लेफ्ट 50, मार्जिन राइट 50 एंड मार्जिन टॉप 20। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ फ्लावर्स, और जैसे ही जूम इन, यहाँ पर जो मेरा आइकन है उसके ऊपर क्लिक करा मैंने, तो देखिए मेरे पास यहाँ इमेज भी आ रही है मेरी, ये पूरा डायलॉग बॉक्स आ रहा है और ये क्लोज का फ्लैट बटन भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम फ्लावर्स के बजाय टाइप कर लेते हैं माउंटेन्स, तो आप देख सकते हैं कितने सारे माउंटेन्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने इस इमेज पर क्लिक करा तो ये देखिए, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि मार्जिन्स भी अप्लाई हो गई हैं टॉप से, लेफ्ट से और राइट से, जो मैंने यहाँ डिव टैग के अंदर दी हुई थी। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इमेज फाइंडर ऐप अच्छे से बनाना सीख पाए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।